इस नवरात्रे कैसे होगी सारी इच्छाएं पूरी, धन की समस्या, कारोबार की समस्या, विवाह की समस्या, मैं कहती जो भी समस्या माता रानी करेंगी बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ, कैसे आप दोस्तों। वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश की आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, मैं ब्लास्टिंग था बन जाए जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशलों को, आवाज थोड़ी बैठी। आपको भी पता है शूटिंग के बाद अभी भी एक छोटा सा शूट है तो मैं जा रही हूँ, तो मैंने सोचा पाशा लोगों को कुछ कुछ बता दूं कि भैया क्या तैयारियां करनी है, फिर कल आपको मैं बोलूंगी जी ये लेके आओ, फिर आप बोलोगे कि मिला नहीं है ना, तो मैंने सोचा आज आपको बता देती हूँ कि कुछ कुछ चीजें जो तैयारियां करनी है जो कि आप कल दोपहर के बाद से शुरू कर देना। अब पहली चीज तो ये है, इस नवरात्रे कहते ना जिनको भी धन की समस्या बहुत ज्यादा है, वैसे तो कल भी वीडियो बनाऊंगी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, प्रॉपरली सारी चीजें बता दूंगी, लेकिन मैं चाहती हूं आपको एक कहते ना ओवरव्यू मिल जाए कि हमने क्या क्या चीजें करनी है ना। अब जैसे कल दोपहर के बाद में है ना घर की पूरी सफाइयां वगैरह, जो मंदिर का स्थान है नमक के पोछे से अपना कहते ना साफ सफाई करनी शुरू कर देना, मैं तो कह रही हूं पूरे घर को स्वच्छ कर देना नमक के पोछे से, फिर गौमूत्र छिड़क के पूरा कहते ना साफ सफाई करना शुरू कर देना। अब परसों क्योंकि हमने खेतरी, जो खेतरी बोते हैं है ना, वो तो सारा मिट्टी का बर्तन का ध्यान रख वो लेके आ जाओगे, जौ लेके आ जाओगे क्योंकि खेतरी बीजनी है, वो भी कल आपको मैं बता दूंगी घट स्थापना वगैरह का क्या टाइम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट ये सारी चीजें आज लेके आ जाना। जैसे वस्त्र जो होते हैं माँ के वस्त्र, दोपहर के बाद जो घर की औरतें हैं माँ के वस्त्र बदलने शुरू हो जाए, मैं कहती बंधनवार आपका लग जाना चाहिए, रोज की परसों से नवरात्रों से रोज की प्रति, जैसे अगर हमारे घर के तीन जने हैं तो दो लौंग मम्मी की, दो लौंग भाई की, दो लौंग मेरी, वैसे तो मैं हैप्पी लकी एंजल की भी वो करती हूं है ना, तो दो दो लौंग सबकी होएगी, सुपारी चढ़ेगी, पंचमेवा चढ़ेगा, दूध से बनी हुई कोई भी जैसे खीर बना लो, साबुदाने की खीर बना लो, कोई भी दूध से बनी हुई चीज जो बाद में आप लोग भी भोग लगा सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब पहली चीज तो ये है, अच्छा एक चीज बताऊं पाशा लोगो आपको, मैं इंसान बोलता है कि भाई इच्छा पूर्ति होएगी कैसे, साइंटिफिकली बताती हूं क्योंकि जो मेन क्रक्स है वो तो लोग भूल ही जाते है कि नहीं। मैं जो आपसे ये बात कर रही हूँ नॉर्मली बात कर रही हूँ, इसमें मैं कोई सोच विचार नहीं कर रही सच्ची बताऊं तो, क्योंकि ये तो चीजें मेरी इनबिल्ट है, ये हो गई हमारी, हम जो लोगों से एक दूसरे से बात करते हैं वो बीटा स्टेट हो गई। जब हम बहुत सोच विचार कर रहे होते हैं ये भी करना है वो भी करना है वो भी करना है वो हो गई गामा स्टेट। जब हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं वो होती है अल्फा स्टेट। फिर जब हम और रिलैक्स हो जाते हैं, मस्त मगन हो जाते हैं, वो कौन सी हो गई, थीटा स्टेट। फिर जब कहते हैं ना जब हम नींद में पूरी पूरी चल जाते हैं वो हो जाती है डेल्टा स्टेट। अब एक बात बताती हूं, जब हम ये सारी चीजें है ना इतना ज्यादा हड़बड़ा मत जाना, क्योंकि जो हमारी इच्छा पूरी होनी है वो होएगी अल्फा स्टेट और थीटा स्टेट। जब हम मस्त मगन होकर सारी चीजें करते हैं, एकदम रिलैक्स माइंड से सारी चीजें करते हैं, तब हमारी इच्छा पूर्ति होती है उस स्टेट में। लेकिन हम क्या करते हैं, गामा हॉय ये भी करना है वो भी करना है, इतना दिमाग लगाते हैं, जो मेन क्रक्स है जो ध्यान साधना की चीज है वो तो हम भूल ही जाते हैं, तो काय को कैसे चीजें ठीक होंगी। उस दिन भी मैंने बताया था, एक बार बहुत पहले एक साल पहले ये वीडियो बनाई थी, साइंटिफिकली समझाया था, ये साइंटिफिकली बता रही हूं, जो इच्छा पूर्ति होती है जो मटेरियलिस्टिक चीजों की इच्छा पूर्ति होती है वो हमारी होती है थीटा स्टेट में, मस्त मगन होकर अल्फा स्टेट एकदम रिलैक्स होकर तब होती है। हम इतना टेंशन में हो ये कुछ भी नहीं करना। देखो एक मैं बात बताती हूँ, कुबेर यंत्र जरूर ले आना। जिन लोगों को भी आर्थिक तंगी है, धन की समस्या है, कारोबार की समस्या है, परसों जैसे जोत वोत जला लोगे है ना, एक तो अखंड जोत भी जलानी है जो उसका ध्यान रख पाए, और पंच जो पंच दीपक होता है वो तो जरूर जलेगा ही जलेगा। दुर्गा सप्तशती अगर किसी के घर पे नहीं है तो दुर्गा सप्तशती ले आओ।
कुबेर यंत्र जरूर ले आना, और जो नहीं ला सकते कोई बात नहीं, हल्दी और केसर के उसमें घोल बना लेना, अपने पेपर पे ही बना लेना। इस जिनको भी आर्थिक तंगी हो रही है, श्रीम श्रीम 1100 बारी श्रीम श्रीम जरूर उसका जप करना शुरू कर देना परसों। 1100 रोज और एक साल तक कर लिए, बेड़ा पार होएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। मेन क्रक्स बता रही हूं चीजों का, पाशा लोगों काय को भटक रहे इधर उधर। ये जो होया जप तप ध्यान साधना है, ऐसे साधु बंदे बनने का है, अपनी आत्मा उस परमात्मा से जोड़ के तो देखो, उस अल्फा स्टेट और थीटा स्टेट में आकर तो देखो यार, अपन क्या करते गए, भटक रहे। ये अरे अब नवरात्रि आएंगे, पाखंड की दुकान है जी, ये पूजा करा लो, फिर उसके बाद में दिवाली आएगी, जो अरे अरे तुमको ये दिवाली पे किसी ने कुछ कर दिया, मत पढ़ो यार। इन दिनों में, 9 दिनों में आप देखना कमाल धमाल। और भी चीजें बताऊंगी। अच्छा क्या कहते हैं, श्रीम जो श्री यंत्र की जिन्होंने अभी तक स्थापना नहीं करी, कर दो। मैं कहती श्रीम 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 कुबेर यंत्र की स्थापना कर दो। और परसों सबसे पहले जो जिनका जप करना है वो है शिव बाबा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, उसके बाद में कुबेर यंत्र स्थापित करो, श्रीम का करो, बट सबसे पहले शिव जी का होता है। आज आपको मैंने ये बता दिया है। बिल्कुल रात के समय है ना दुर्गा सप्तशती का, तो इस टाइम पे 9 दिनों में आपने पाठ खत्म करना ही करना है, इस चीज का ध्यान रखना है ना। जैसे पहले दिन पहला अध्याय और 13वां अध्याय बताऊंगी, सब बताऊंगी, बट ये सारी तैयारियां आपको करनी है, तो ये सारी तैयारियां पाशालों को कर लेना। रात के समय ओम ऐं ग्रीं क्लीं नमः चंडिकाय, ओम ऐं ग्रीं क्लीं नमः चंडिकाय, खुद देखना, ये सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, आप देखते जाओ। बस उस अल्फा स्टेट थीटा मस्त मगन नौकर ध्यान के स्टेट में तब आपने करना है पाशा लोगो। ये सब करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और भी चीजें बताऊंगी, एक से बढ़कर एक चीज बताऊंगी। बस आप बस इन 9 दिनों में जिस हिसाब से चिल्ला रही हूं, बस चल पड़ना, आप खुद देखना, सब हो जाएगा, सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, बस सीधी बात है। ओके, जिनको कंसल्टेशन चाहिए व्हाट्सअप करना, मैं कॉल नहीं उठा पाती। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो, सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।